नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बरहज नगर की सड़कों पर शनिवार की शाम नगर अध्यक्ष हरीश चंद्र के नेतृत्व में हाथरस की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए फूलन सेना कार्यकर्ताओं ने जहाज घाट से शहीद स्मारक तक शांति संवेदना मार्च निकाला और शहीद स्मारक पर दीप जलाकर शोक संवेदन व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करने हेतु फूलन सेना जिलाध्यक्ष राजेश निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार से मनीषा को इंसाफ तथा परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। राजेश निषाद ने कहा कि राम राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तथा भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के प्रयास कर रही है। फूलन सेना के नगर अध्यक्ष हरीश चंद्र निषाद ने कहा कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को दबा दिया जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। कैंडल मार्च में मोहन भारती, पिंटू निषाद, नरेश मिस्त्री, जितेंद्र निषाद, अनिल निषाद, टंटन निषाद, तारा देवी, गुड़िया पांडे, विशाल निषाद, मुकेश पांडे आदि शामिल रहे।